दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो होने वाली है कुछ रिपेयर के बारे में। तो रिपेयरिंग ये है कि हमारी गाड़ी का ये वाला बम्पर के नीचे वाला जो कवर होता है ये वाला, ये निकल गया है। ये देखिए गाड़ी का बम्पर ऐसे होता है, तो इसमें एक पार्ट होता है जो यहाँ से निकल गया है। हो सकता है ये कहीं पर टच हुआ हो सड़क पर, जहाँ कुछ लगा हो, तो उसकी वजह से ये निकल गया है। तो वैसे तो यहाँ पर लॉक है, जब मैं इसको अंदर डालने की कोशिश करता हूँ तो ये प्रॉपरली जा नहीं रहा। यहाँ से लगता है कि लॉक टूटा हुआ है। सो इसे हम जहाँ तो प्लास्टिक वेल्डिंग करवा सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन आजकल प्लास्टिक वेल्डिंग वाले मिल नहीं रहे। सो हम कोई और तरीका अपनाएंगे इसको ठीक करने का, तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों वैसे भी ये वाला पार्ट हमारे यूज में कम ही आता है। आई डोंट नो कंपनी ने किस पर्पज से बनाया है। सो इसको मैं बंद करने जा रहा हूँ एम सील के साथ। एम सील हमारी सिंपल वाली नहीं यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा मैरीन वाली, सैनिटरी में जो यूज की जाती है वो वाली यूज करूंगा, क्योंकि पानी यहाँ पर लगता है जब बरसात वगैरह होती है। तो सिंपल लगाएंगे तो हो सकता है चांसेस है कि वो टूट जाए या उखड़ जाए। तो ये वाला मैरीन वाला है जो सैनिटरी वाला है, जहां पर पानी का उपयोग होगा तो भी ये नहीं टूटेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ मिक्स कर कि मैं कैसे लगाता हूँ, एंड अगर आपका भी ये टूटता है तो आप एम सी लगा कर यहाँ पर इसको बंद कर सकते हैं। तो प्रोसीजर देखते रहिए, छोटी सी वीडियो है, आसानी से आपको गाइडेंस मिल जाएगी कैसे काम करना है, तो बने रहिए। हमारी ये वाली सैनिटरी वाली जो होती है ये व्हाइट कलर की होती है, आपने देखा होगा। जो सिंपल वाली होती है वो उसका जो मिक्स करने के बाद प्रोडक्ट निकलता है वो ब्लैक निकलता है, ये वाली व्हाइट कलर की है। तो डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि ये सैनिटरी वाली है कि सिंपल वाली है। तो आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर एंड एरिया पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे अप्लाई करनी है। एंड दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आप इसको टच करते हैं वो जगह वाइट ना हो जाए, एंड क्योंकि वो चांसेस हैं कि आपके हाथ पे जो लगा है वो आपकी गाड़ी पे भी लग जाए। तो साथ में कपड़ा रखिए थोड़ा सा गीला, इन केस कहीं पे भी लगता है तो आप इसको प्रॉपरली साफ कर सकें। तो जहाँ लगानी है उसको पहले थोड़ा सा साफ कर लिए, सो दैट कि मिट्टी वगैरह जो है वो इसके साथ चिपक ना जाए। इससे होता है क्या कि इसकी पावर कम हो जाती है, तो आप इसको साफ कर लीजिए। ये मेरा लॉक यहाँ से टूटा हुआ है एंड बाकी के लॉक हैं, तो मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर लगाकर अच्छी तरह से इसको मैंने फैला लिया। थोड़ा सा यहां पर लगा दूंगा, ये एज कंपेयर टू जो सिंपल होती है थोड़ी स्टिकी है, बट अपना काम आई थिंक अच्छी तरह से करेगी। आई थिंक यहां पर टोइंग वाला होगा, नजर नहीं आ रहा कहाँ पे है टोइंग वाला। तो लगा हमने दिया, तो इसके बाद हाथ साफ कर सो दैट कि कहीं प्लास्टिक पर हमारा हाथ ना लगे। तो हम इसको बंद करने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों इसको एम सील के साथ जोड़ने के बाद यहाँ पर टेप लगा दी गई है। ये स्टेशनरी की दुकान से टेप मिलती है, काफी अच्छी इसकी स्ट्रेंथ होती है, तो ये मैंने लगा दिया सो दैट के प्रॉपरली अपनी जगह पर ठहर कर सूख जाए। एंड अभी तो आपको गंदा लग रहा होगा, लेकिन एंड रिजल्ट में आपको दिखाऊंगा, इसके बाद वो काफी अच्छा लगेगा। शाम तक सूखने देते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा फिनिश प्रोडक्ट बताऊंगा कि कैसा लगता है। तो आप इसको अपने घर पर कर सकते हैं, एम सील आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है, कोई भी प्लास्टिक का पार्ट टूट जाए तो वो जुट सकता है, लेकिन आपको ये काम सफाई से करना होगा, क्योंकि आप हर बार किसी भी मैकेनिक के पास नहीं भाग सकते कि भाई ये ठीक कर दे ये ठीक कर दे, आपको कुछ काम खुद ही करना पड़ेगा। सो होप करता हूँ आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, एंड क्योंकि हमारी इंडियन रोड्स है, यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है गाड़ी के साथ, थोड़ा सा स्क्रैच लगता रहता है, सो इतना आपको दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। एंड शाम को मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इससे प्रॉपरली बाइंड हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारा जो एरिया है ये प्रॉपरली हमने ठीक कर दिया है। आपने देखा था पीछे टेप लगाई हुई थी एंड एमसी लगाकर इसको हमने फिक्स किया था, तो अब इसको प्रॉपरली देखिए, ये सारा मैंने फिक्स कर दिया है। जैसे बताया था कि एमसी लगाकर इसके ऊपर टेप लगा दी सो दैट कि ये प्रॉपरली बाइंड हो जाए। आफ्टर दैट थोड़ा सा हमने टचिंग कर दी है पेंट के साथ, एंड आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बिल्कुल अच्छा हो गया है, कोई भी यहाँ पर पता नहीं लगता कि कोई पार्ट डैमेज हुआ था हमारा। सो थोड़ा सा काम आप खुद कर सकते हैं सो दैट कि आपकी गाड़ी कॉस्मेटिकली अच्छी लगे, एंड टूटा हुआ होता तो थोड़ा सा गंदा लगता है, तो आप इस प्रकार से इसको ठीक कर सकते हैं। एंड टचिंग आप स्प्रे पेंट से कर सकते हैं एंड मेटल पेंट से भी कर सकते हैं, मैंने मेटल पेंट से की है क्योंकि थोड़ा सा उसका जो लेयर होती है वो थिक होती है, एंड आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। आप देख सकते हैं जो थोड़े मोटे स्क्रैचेज हैं वो तो हैं ही हैं, बट ओवरऑल दूर से आप देखिए बिल्कुल अच्छी लग रही है। ये मैंने पेंट लिया, मेरे पास है ये वाला, तो मैंने ये थोड़ा सा टचिंग के लिए मारा हुआ है, क्योंकि मेरी गाड़ी का मैंने जो थीम है उसे इस प्रकार से रखा हुआ है कि ये जो बम्पर है ऐसे लगता है। तो आप भी कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आप कोई स्क्रैच वगैरह लगता है, कोई डैमेज होता है एंड यू वांट कि वो आप ठीक करें, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बम्पर का कोई भी जो रिपेयर है वो हो जाती है, खुद ही हो जाती है, हॉट आयरन के साथ भी हो जाती है, एंड थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा प्लास्टिक चाहिए होता हो जाता है। तो इसको तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली ठीक हो गया है। एंड एक मेरी और वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका बम्पर साइड से थोड़ा सुखड़ जाता है तो उसे आप कैसे सिर्फ मात्र एक दो रुपये में ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को भी आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो होप करता हूँ अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच चैनल पर बने रहने के लिए, सब्सक्राइब टू इट, थैंक यू वेरी मच।